और ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। सो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहाँ क्या दिखा रहा है, जब हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई, हमें दिखाता जब बताते तेरी औकात क्या है और कहाँ गड़बड़ी है। जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है और जनता अपनी जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उठाएगी। और ये जो विपक्ष है, मैं आग्रह करता हूँ विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, अन्यथा ये जो जनता है ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। साथियों, ये जो आंदोलन है ये शहरों तक नहीं, ये इस देश के गांव-गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से वो जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। पुलिस फोर्स सरकार के आदेश का पालन कर रही है, वो एक अनुशासित फोर्स है, तो जो सरकार से आदेश होगा वो उसका पालन करेगी, वो उनका काम है उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है अपनी आवाज इस देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के तहत अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना, उन संस्थाओं तक पहुंचाना जिनके पास ये जिम्मेदारी अधिकार है कि इस लोक देश के लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने और उन्हें ये दिखाने की किस तरह से धांधली होती है। हमारे डेमोंस्ट्रेशन करने वाले साथी भी, दो साथी हमारे आ चुके हैं, तो बाकायदा वहाँ डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यही हमारा काम है, अपनी बात को रखना और आजाद देश में रखना, संविधान के तहत रखना, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना, लोकतांत्रिक और संविधानिक तरीके से आंदोलन करना, ये मेरा अधिकार है। मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूँ। हमारे सारे साथी, आप देख रहे हैं, सारे एडवोकेट जो आए हैं ये इसी अधिकार के तहत आ रहे हैं। जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो उनका काम है। सवाल है कि आप लोग वरिष्ठ वकील होकर के लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये उनका काम, ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? भाई, विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में, लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप, पर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है पब्लिक की होती है, बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है, महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है, शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है, रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है, जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है और जनता अपनी इस जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उठाएगी। पूरी ताकत से। और ये जो विपक्ष है, मैं सलाह देता हूं, मैं आग्रह करता हूं विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, अन्यथा ये जो जनता है ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। साथियों, सो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी और इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप एक बात तो समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहाँ क्या दिखा रहा है, जब हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई, हमें दिखाता जब बताते तेरी औकात क्या है और कहाँ गड़बड़ी है। और ये हम सब बताएंगे 24 तारीख को, उसका षड्यंत्र क्या है हम बताएंगे। जनता के साथ जुड़ रही है,
जनता साथ है, सारे संगठन साथ है, जनता जनता कितनी साथ है। यहाँ बरेली से भी एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं इसमें, आज ये केवल दिल्ली वालों का था लेकिन यहाँ से भी खड़े हैं, मेरठ से भी खड़े हैं, इलाहाबाद से खड़े हैं, जनता के साथ। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि हमने एक मिस कॉल नंबर दिया था, मिस कॉल नंबर, वो मिस कॉल नंबर जिस समय फोन चार्ज होता है सिर्फ उस समय बंद होता है घंटे दो घंटे के लिए, अन्यथा उस मिस कॉल नंबर की हालत ये है एक सेकंड में कई सौ फोन आ रहे हैं, एक सेकंड में इतनी बुरी स्थिति, मतलब उसमें लोगों का इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपकी कल्पना से बाहर है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूँ ये जो आंदोलन है ये शहरों तक नहीं, ये इस देश के गांव गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से वो जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना। बामसेफ के नेशनल प्रेसिडेंट से कोई मुलाकात हुई है, क्योंकि वो भी 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आप क्या कह रहे हैं? 31 जनवरी को कह रहा हूं हम बाकायदा डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाकर हम डेमोंस्ट्रेशन देंगे। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.